नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर एवर पर। दोस्तों, यहाँ पर कुछ स्टॉक्स मैं बताने जा रहा हूँ जिसमें जो है प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, साथ साथ एफआईआईस ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और ये एक पॉजिटिव जो है इंडिकेटर होता है, अगर प्रमोटर या एफआईआईस अपनी जो है होल्डिंग बढ़ाते हैं किसी स्टॉक में, वहीं अगर घटाते हैं तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। चलिए, तो इसमें अगर हम आपको पहला स्टॉक बताएं तो वो है ISGEC हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसका अगर हम दिसंबर 31 तक का यानी लास्ट क्वार्टर तक का प्राइस देखें तो ये लगभग 31 दिसंबर को 329.95 रुपए पे क्लोज हुआ था। वहीं 23 अप्रैल यानी कि या लास्ट जो अभी ट्रेडिंग सेशन था, वहां पर ये 550 रुपए के आसपास जो है क्लोजिंग दी है NSE पर। अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो दिसंबर तक इसमें प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो 62.41% की थी, जो कि बढ़कर मार्च में 62.43% की हो गई है। वहीं FIS की होल्डिंग देखें तो दिसंबर में 1.36% की होल्डिंग थी, जो कि बढ़कर मार्च में 1.94% की हो गई है। दूसरा स्टॉक है दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका अगर हम दिसंबर 31 को अगर देखें तो इसका प्राइस लगभग 157.25 था, जो कि अभी 23 अप्रैल को ये 235.75 रुपए के आसपास क्लोजिंग दिया है। प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो दिसंबर में जहां इनकी होल्डिंग 55.90% की थी, वही अभी अप्रैल में बढ़कर 55.80% की हो गई है, सॉरी मार्च में बढ़कर 55.80% की हो गई है। वहीं FIS की होल्डिंग अगर दिसंबर में देखें तो 2.57% थी, वही अब FIS की होल्डिंग मार्च में 3.01% की हो गई है। अगला स्टॉक देखें तो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, जो कि अगर दिसंबर 31 तक देखें तो इसका जो प्राइस था लगभग 85 रुपए के आसपास था, जो कि अभी 23 अप्रैल को देखें तो 116.16 रुपए पे बढ़कर बंद हुआ है, यानी कि अच्छी खासी जंप दिया है इसने दिसंबर से लेके अभी अप्रैल तक। और इसका प्रमोटर स्टेक देखें तो दिसंबर में प्रमोटर का जो स्टेक था वो लगभग 70.45% का था, जो कि बढ़कर 70.70% का हो गया है मार्च में। अब FIS की होल्डिंग जो दिसंबर में 2.63% की थी, वही होल्डिंग अब मार्च में FIS की बढ़कर 2.79% की हो गई है। तो इस स्टॉक में भी जो है अच्छी जो है FII और प्रोमोटर्स ने होल्डिंग बढ़ाई है। अगला स्टॉक है जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, इसका अगर हम दिसंबर 31 के क्लोजिंग प्राइस देखें तो ये लगभग 132.95 रुपए के आसपास था, जो कि अभी अप्रैल 23 में देखें तो 182.10 पर जो है क्लोजिंग दी है। वहीं प्रमोटर की जो स्टेक था वो दिसंबर में 45.32% की थी, वही बढ़कर अभी मार्च में 46.51% की हो गई है। FIS की होल्डिंग देखें तो दिसंबर में 7.96% की थी, और वही FII होल्डिंग अभी मार्च में 8.8.54% की हो गई है इस स्टॉक में। अगला स्टॉक है तानला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, जो कि दिसंबर 31 को 681.95 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, अभी अप्रैल 23 में इसकी जो क्लोजिंग प्राइस रहा है वो 887.95 रुपए का था, तो काफी अच्छा जंप लिया है इस स्टॉक ने। प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो दिसंबर तक अगर प्रमोटर की होल्डिंग 41.18% की थी, वही बढ़कर अभी मार्च में 41.22% की हो गई है। FIS की होल्डिंग जो कि दिसंबर में 11.09% की थी, वही बढ़कर FII की होल्डिंग मार्च में 11.76% की हो गई है। अगला स्टॉक है नीलकमल लिमिटेड का, इसका अगर हम दिसंबर 31 के पास का प्राइस देखें तो 1498.40 पर ये ट्रेड कर रहा था, वही बढ़कर अभी 23 अप्रैल को इसका प्राइस है 1890.50 रुपए का, तो काफी अच्छा जंप दिया है इस स्टॉक में। प्रमोटर की होल्डिंग दिसंबर में 64.33% की थी, वो बढ़कर अभी मार्च में 64.53% की हो गई है। FIS की होल्डिंग देखें तो दिसंबर में 1.97% की FII की होल्डिंग थी, जो कि बढ़कर अभी मार्च में 2.07% की हो गई है। अगला स्टॉक है UPL लिमिटेड, अगर इसका हम दिसंबर 31 को का जो ट्रेडिंग प्राइस देखें दिसंबर 31 के आसपास का, तो 466.45 रुपीज के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, वहीं अप्रैल 23 में इसने 585.40 रुपीज पे क्लोजिंग दी है। प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो दिसंबर में 27.85% की होल्डिंग थी, वहीं प्रमोटर की मार्च में होल्डिंग बढ़कर 27.96% हो गई है। FIS की होल्डिंग देखें तो दिसंबर में 35.35% की होल्डिंग थी दिसंबर में, वहीं FIS
इसकी होल्डिंग मार्च में बढ़कर 37.82% की हो गई है, तो 2% से भी ज्यादा की जो है हिस्सेदारी यहाँ FIIs ने बढ़ाई है इस स्टॉक में। ये स्टॉक पिछले कुछ महीनों में काफी जो है खबरों में भी रहा था। तो ये थे 7 स्टॉक दोस्तों जिनमें जो है FII और प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, और ये एक अश्योरिटी देते हैं इन्वेस्टर्स को भी कि ये स्टॉक अच्छा करेंगे आगे चलकर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।